हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चाट। इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा बाउल कॉर्न, ये बॉइल है। मैंने इसे नमक डाल के एक विसल ले ली है। बाकी हम ले रहे हैं कुछ कटे हुए टमाटर, कटा हुआ खीरा, दो चम्मच बटर। मसाले में हम ले रहे हैं चाट मसाला, भुना जीरा, लाल मिर्ची, ये हमने थोड़ी सी नमकीन सेव लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, कटी हुई प्याज, और नमक ले रहे हैं हम काला नमक और सफ़ेद नमक, दोनों तरह का नमक ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी बाउल में ये कॉर्न डालना है। बाकी सब चीज़ें एक एक करके मिक्स करनी है, जैसे ये कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, नमक और काला नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज़्यादा। चाट मसाला, लाल मिर्ची, भुना जीरा, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मुझे उसका फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ। इसमें डालेंगे बटर। हमारे कॉर्न जो है गर्म होने चाहिए तभी इसका टेस्ट आएगा। अब इसे अच्छे से एक बार क्विक मिक्स करके भी डाल रहे हैं कुछ नींबू की बूंदें, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस इसे एक बार मिक्स करके, ये देखिए आप कितना कलरफुल दिख रहा है, ये से मिक्स करके हम इस पर नमकीन सेव डाल देते हैं ऊपर से। बस ये हमारी क्विक चटपट कॉर्न चाट बन के तैयार है, या आप इसे कॉर्न भेल भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये क्विक स्नैक्स है, जब भी कुछ छोटा छोटा खाने का मन होता है तो इट्स अ हेल्दी वे टू ईट समथिंग गुड। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।